नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरें आप देख सकते हैं सदर बाजार करनाल की, जहां पर आप एक ट्रक को देख पा रहे हैं। बकायदा गेहूं से भरा हुआ ट्रक आप देख रहे हैं, ऊपर बोरियां लदी हैं और काफी बड़ा ट्रक, ऊंचा ट्रक यहां से निकला। और पहली बार बता दें तो पहली बार नहीं, उससे पहले भी कई बार यहाँ से बड़े वाहन निकल चुके हैं और लोगों के नुकसान कर चुके हैं। और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रक है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं यूपी का, UP38T3603 नंबर का ट्रक, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये किस तरीके से काफी बड़ा जो देख सकते हैं 12 टायरी ट्रक है वो यहाँ से निकलता है। 12 टायरी ट्रक आप समझ लीजिए सदर बाजार से अगर निकलेगा तो नुकसान कितना होगा, क्योंकि सदर बाजार बकायदा बता दें तो 2 व्हीलर के आने जाने में भी समस्या होती है, और ऐसे में बड़ा वाहन निकले, बड़ा ट्रक निकले, तो फिर नुकसान कितना होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं और किस तरीके से जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो टूट जाती हैं, आप देख लीजिए। यानी नुकसान भी अच्छा खासा जो है, लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर बता दूं तो ये तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए आपकी काफी पीछे तक बता दें ये तारें टूटी हुई हैं। मैं आपको पीछे तक दिखा दूं तो बिल्कुल, यानी कि एक से लेकर लगभग 2 चौक जो है वो पूरे सदर बाजार के इसी तरीके की जो हाई वोल्टेज तारें हैं वो टूट चुकी हैं। लोगों के घरों की जो बत्ती है वो भी कहीं ना कहीं जो है इलाके की जा चुकी है। और इधर आप देख लीजिए तो पीछे भी जो है, जब ये ट्रक निकला तो बहुत सारी ऐसी वायर्स हैं जो पीछे की ओर टूट चुकी हैं। मैं देख सकते हैं काफ़ी पैदल पीछे की ओर जा रहा हूं और जाते जाते कहां से कहां तक की जो वायर्स हैं ये देख लीजिए, यहां पर भी ये वायर टूटी हुई है। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं ये वायरिंग जो है, ये देख लीजिए, ये इधर से भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से भी ये तार जो है ये टूटी है। और ये सब उस ट्रक के निकलने की वजह से भी, ट्रक के निकलने की वजह से टूटी है सारी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितने बजे निकला था ट्रक? ये लगभग सुबह 6:30 के आसपास की बात है। 6:30 बजे पहले भी निकल चुके हैं ऐसे, पहले कई बार हो चुका है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। और एक ये रहा इस साइड से है जी, ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर जो वायर्स हैं। जी जी, अच्छा, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो खंबा है उसी का जो जॉइंट है वो टूट गया। और ये देख लीजिए खंबा इस तरीके से घर की ओर झुक चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं तारों का जंजाल है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये शहरों में घुस जाते हैं, जबकि बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है ट्रकों को कि बाहर से जा सकते हैं, पिछला रास्ता दिया हुआ है। हाँ जी, दिया हुआ, लेकिन ये गूगल मैप के हिसाब से जो है रात को शॉर्ट में यहाँ से निकलता और हैवी लोडिंग ट्रक तो है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई चेक पोस्ट नहीं है जो ये निकल के आ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जब सीधा रन थ्रू। मैं भी कह रहा हूँ मतलब शहर से अगर आ रहे हैं तो कोई चेक पोस्ट नहीं है कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, बड़ा वाहन की तो एंट्री बंद है रात को? जी बंद है, लेकिन इन्हें खंभे लगाने चाहिए ना बीच में, अगर बड़े वाहन की एंट्री बंद है तो। सिर्फ कार के लिए रखे, बाइक के लिए रखे, ये तो प्रशासन जाएगा ना, उनका काम है ना, हमारा नहीं है ना ये। बिल्कुल, यहाँ से तो अगर 2 व्हीलर को निकलने में काफी समस्या होती है और बड़ा वाहन, अगर कोई बड़ा वाहन आ जाए तो ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ बकायदा इनकी शॉप है। मैम ये नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, देखो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर बाई चांस रात में, रात को करंट घर में आए तो सारे बच्चे जाएंगे ना, ये पूरा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, कितना खतरा, खतरे से देखो कितना, ये लाइट भी चली गई, लाइट पूरी, लाइट पानी कुछ भी नहीं है सुबह से। अच्छा, सुबह से अच्छा पानी भी नहीं है, 4 बजे से लाइट पानी कुछ नहीं है। अब सुबह सुबह सारे जॉब पर जाने वाले हैं, कोई दुकानों पर जाने वाला है। ट्रक चालक कहाँ पे है? ट्रक चालक वो चौकी में है। अब ये तीसरे दिन टूट गए खम्भे, परसों भी उखाड़ गए वाला खंबा। जी जी, हाँ तब भी वो निकल गया। रोज तार कोई ना कोई टूटी भी होती है यहाँ पे। बिल्कुल, और मैं आपको आगे की ओर दिखा दूं तो पीछे भी जो हाई वोल्टेज तारे हैं वो वहाँ पर देख लीजिए टूट गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख लीजिए ये तार टूटी है। इसके अलावा ये यहाँ पर देख लीजिए ये तार यहाँ पर टूटी है। ये देख लीजिए घर के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी की पूरी जो वायर है वो टूट चुकी है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी लोगों को कितनी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। बता दें तो बिजली विभाग में भी शिकायत तो जरूर कर दी जाती है और बिजली विभाग भले आ भी जाएंगे, लेकिन उतने समय तक लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि इन ट्रकों की जब तक शहर में एंट्री बंद नहीं होती है, जब बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बाहर का रास्ता यानी कि पीछे की ओर से जो ब्रह्मानंद चौक से आने वाला जो रास्ता है वहाँ पर, वहाँ से ट्रकों की आवाजाही जो है वो रखी गई है। घोघड़ीपुर का जो फ्लाईओवर है वहाँ से रास्ता रखा गया है कि बाहर बाहर से हैवी लोडेड ट्रक जाएं,
आए, लेकिन यहाँ पर शहर में एंट्री जो है वो बिल्कुल मना है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रकों की एंट्री है वो हो रही है। अब लोगों को देख लीजिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है निकलने में, आने में, जाने में, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि तो वायरिंग जो है वो इस समय रास्तों में अड़ रही है, ये देख सकते हैं इधर से भी ये बिजली की तार यहाँ से निकल रही है और इनको समस्या आ रही है काफी ज्यादा। तो यहाँ पर हमेशा से बता दें तो ये सब कहीं ना कहीं कोई प्रशासन की अगर कोई रास्ते में कोई चेक पोस्ट हो तब लोगों को ये दिक्कत ना आए, क्योंकि ट्रक नहीं निकलेगा तो नुकसान नहीं होगा। पीछे खंभा तोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो रहे हैं। बता दूं तो आप देख सकते हैं पीछे की और ऊपर घर में भी लोग हैं और उनकी भी लाइट जो है वो इस समय नहीं है। उनसे पूछा गया है, सुबह 5 बजे की लाइट नहीं है घर में, पानी नहीं है लोगों के घरों में, लोगों को सुबह की सारी दिनचर्या की सभी क्रियाएं जो करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर खाना बनाना होता है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में देख लीजिए कि अभी जो ये ट्रक भी आप देख लीजिए, इसका साइज आप देख लीजिए और आप ये सड़क देख लीजिए कि क्या इस ट्रक को यहाँ होना चाहिए। और बता दें तो बाहर का रास्ता भी ज़रूर सबको दिया गया है। अभी इधर आप खंभा भी देख लीजिए, ये खंभा भी आप तस्वीरों में देखिए कि इस खंभे की हालत, और आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा जो खंभा है वही तोड़ दिया गया है, और ये देख सकते हैं नीचे से पूरा। और बता दें तो पहले भी ऐसे बड़े वाहन यहाँ से निकल चुके हैं और बड़े वाहन निकलने से कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल मौके पर जो ट्रक चालक है वो कहाँ पर है ये भी हम जरूर जानने का प्रयास अभी करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सर, ये ट्रक चालक कहाँ पर है अभी ये फिलहाल? ये चौकी में है। जी चौकी में है। अच्छा, ये मतलब सुबह 5 बजे की लाइट गई है सबके? ये 4 बजे का टाइम है, 5 का नहीं 4 बजे। अच्छा, 4 बजे। अच्छा, 4 बजे। और ये स्पीड से आ रहा था, तोड़ता हुआ भाग रहा था। यहाँ तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है बड़े वाहनों की, तो रोज आते हैं जी यहाँ पे, अपना कोई पुलिस वाला नहीं रोकता। हाँ, रोज तोड़ते हैं, दूसरे तीसरे दिन का रोज तारे टूटते हैं, खंबे टूटते हैं, ना पुलिस वाले रोकते हैं ना कोई रोकते। मतलब कोई चेक पोस्ट यानी है नहीं है या निकाल देते हैं क्या? पुलिस वाले निकाल ही देते होंगे जी, जब इतनी बार कंप्लेंट हो गई है तो कोई इसके पे संज्ञान नहीं ले रहा, तो इसका मतलब निकाल देते हैं। निकाल देते हैं। हाँ बिल्कुल। और देख सकते हैं लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, परेशान है। रात को ऐसे ब्लास्ट हुआ जैसे यहाँ पे कोई बम पड़ गया हो, हम उठ के भाग रहे हैं, फिर वो खंभे तोड़ के लपेट के फिर भाग रहा है, तोड़ता हुआ आगे आ रहा है। हाँ, और भागने की कोशिश की है हमने, फिर इसको रोका है। अब लोगों के घरों में पानी नहीं है? नहीं, पानी है ना बिजली है। तो लोगों को बहुत समस्या होती है, हर बार ऐसे ही होता है जी, हर बार ऐसे ही होता है। और कई बार हमने कम्प्लेन की है, इसका कोई भी असर नहीं है, ना बिजली बोर्ड को है ना पुलिस वालों को है, किसी भी चीज का कोई भी फायदा नहीं है कहने का किसी। पहले ही काम बहुत ढीले होते हैं। हाँ, पहले ही काम ही नहीं है यहाँ तो बाजार में, यहाँ पर मतलब बिजली का काम दोबारा होते होते फिर समय लग जाएगा। हाँ, समय लग जाएगा जी, पूरा भी बिजली वाला एक आया था रात को, हमने जब भी कम्प्लेन कर दी थी कि करंट था उस टाइम इनमें, तो उसके बाद भी कोई असर नहीं है। अब एक आया, देख के चला गया, कह रहा जब भी आ रहे। तो आप देख सकते हैं ये वायर्स काफी हाई वोल्टेज वायर्स हैं, और अभी फिलहाल जो शायद इसका करंट भी ज़रूर बंद कर दिया होगा, और लेकिन लोगों के लिए आने जाने का जो रास्ता है अब ये पूरा बंद है, और ये रास्ता अब तब जाकर ठीक होगा आवाजावी के लिए जब जाकर ये खंभे लगेंगे, यानी ये खंभों को दोबारा लगाना पड़ेगा, इन पर जो मीटर्स हैं उनको दोबारा लगाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए जब इन मीटर को एक एक करके दोबारा लगाना पड़ेगा तो कितना समय लगेगा, कितना लोगों को उतने समय तक इंतजार करना पड़ेगा, कितने घरों की बत्ती फिर से गुल होगी, और साथ साथ लोगों के जो कामकाज हैं उन पर भी काफ़ी असर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर फिर से सारा सेटअप बिठाया जाएगा तो रास्ता भी ज़रूर रुकेगा। तो यहाँ पर यही हमारा निवेदन है, कहने का मतलब हमारा यही है कि आप जितने भी बड़े वाहन हैं उनकी चेक पोस्ट प्रॉपर हो, ताकि वो शहर के अंदर एंट्री ना करें और बाहर के रास्ते से निकलें जो रास्ता पहले से दिया गया है। आप सभी से निवेदन, वीडियो से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और फिलहाल यही कहना चाहेंगे, सभी ट्रक चालकों को भी कहना चाहेंगे कि आप ऐसे किसी रास्ते को अवॉइड करें जिस रास्ते पर निकलने से लोगों को समस्या झेलनी पड़े। आप सभी से निवेदन।